जब जनाब स्पीकर, पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने माइक मुझे दिया और मुझे बात करने की इजाज़त दी। अगर मेरे फाजल दोस्त बैठ जाएं तो मैं अपनी तकरीर शुरू करूं। जनाब स्पीकर, अगर मैं अपने आप को हिस्ट्री का विटनेस कहूं, 35 साल की हिस्ट्री का, और भुट्टो साहब की भी तारीख में अगर मैं अपने आप को विटनेस टू हिस्ट्री कहूं कि मेरे वालिद भी इस असेंबली में बैठे थे, उनने भी कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था, और अल्लाह के फजल से हमने जमहूरियत बहाल की थी, मगर वो ख्वाब जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बाबा ने देखा, जो दूसरे दोस्तों के वालदेन ने देखा, जो वली खान ने देखा, जो दूसरे मुफ्ती महमूद ने देखा, वो ख्वाब पूरा ना हो सका और ये सिलसिला टूट गया। अगर मैं कौसर नियाज़ी की किताब की बात करूं कि फिर लाइन कट गई, तो ऐसा भी हुआ कि भुट्टो साहब को डिसीट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के आइन को ख़त्म कर दिया गया एक कोने से, और कहा कि अब निज़ाम मुस्तफ़ा है, अब तौबा अल्लाह की ज़ात पे, हर कोई रसूल पाक की और उनकी हुरमत की, उनकी इज़्ज़त की, उनसे प्यार की, कोई कमी हम ना हम में है ना किसी और में है, मगर हमने कभी उसको इस्तेमाल नहीं किया पॉलिटिक्स में, रिलीजन को, और कोशिश करते हैं कि ना करें। मेरे ये तवील सफ़र में सर, मैंने बड़े बड़े ऊंच नीच के मकाम देखे। मैं नहीं समझता इस वक्त तारीख की हिस्ट्री में कोई यहाँ बैठा है जिसने कभी 14 साल जेल वो तहने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारी हो। मैं नहीं समझता, हो सकता है मुझसे कोई ज़्यादा जानता हो और वो बता सकता हो, मगर मैंने जो तारीख का मुतायला किया है उसमें ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ये ज़रूर हुआ, एज अ तारीख का मैं स्टूडेंट और तारीख में चलने वाला, आई हैव वॉक्ड द हॉल्स ऑफ हिस्ट्री, उस पर चलने वाला, मैंने हर चीज़ खुद आई विटनेस की है। मेरे पास सारे राज हैं, जो कुछ यहाँ हैं कुछ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, कुछ अवाम से शेयर कर सकता हूँ और कुछ नहीं शेयर कर सकता। बीबी साहिबा कहती थी कि सम थिंग्स यू टेक टू योर ग्रेव, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ हुई और हमने उनको बर्दाश्त करके कब्र के तरफ चले गए, मगर कभी कुछ आह नहीं गई। इसलिए कि हम पाकिस्तान बनाने वाले मौसा है, हमने पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान को बचाने का फ़र्ज भी हम पे ही है। मैं अपनी छोटी जनरेशन को नहीं छोड़ के जाऊंगा टूटा हुआ पाकिस्तान, मैं उनको पूरा पाकिस्तान देखूंगा। इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा ये कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं होगा, ना किसी को हम कुछ खिलवाड़ करने देंगे। ये जो दोस्त हमें दोस्तों को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं या मुखालिफ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, जो हमने कह दिया है वैसा होगा। हाँ, अगर एक पहले भी हमारे खिलाफ इंट्रीग्स होती रही हैं, ये दूसरी इंट्रीग हो जाए, कोई पहली दफ़ा थोड़ी है कि कोर्ट ने नोटिस दिया है। मसूद शरीफ को भी नोटिस दिया था कि तुम आओ, तुमने हमें बग किया है, आके हमें बताओ। वो गया
उसकी स्टेटमेंट मैदान में है, जिसने उसने कहा कि जी हाँ आप बग कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे सियासत, और मेरा हक था डीजीआई कि मैं आईबी कि मैं आपको बग करूं। ये तारीख गवाह है, लोग गवाह हैं, कुछ दोस्त ऊपर बैठे हुए हैं वो विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं, कुछ दोस्त नीचे बैठे हुए विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं हमारे साथ साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अगर हमें मौका दिया बीबी साहिबा की शहादत के बाद, तो हमने एक ही नारा माला कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान खपे। और बड़ी खूबसूरत बात है कि आज का प्रेसिडेंट जो है वो खुद मानता है हामिद मीर के शो में कि अगर उस वक्त कोई दूसरा नारा मैं लगा देता तो पाकिस्तान नहीं बचता। तो हम पाकिस्तान को बचाते रहे आए हैं, और अब भी यही इरादा है कि पाकिस्तान को बचाते आएंगे, चलते रहेंगे, ये जमहूरियत उठा के चलेंगे, चाहे छोटी जमहूरियत है, मैं समझ रहा हूँ। और उस जमहूरियत को भी कमज़ोर किया गया है थ्रू द ईयर्स, और थ्रू द ईयर्स एवोल्यूशन से ही मजबूत होगी, मगर जब तक हमारे दम में दम है हम उस जमहूरियत को बनाएंगे, संवारेंगे, चलाएंगे। और ये मुल्क के जो दोस्त मुझे कहते हैं कि दिवालिया हो गया और ये हो गया और वो हो गया, जापान दिवालिया हुआ, कोरिया दिवालिया हुआ, एक ज़माना था जो अर्जेंटीना डॉलर टू डॉलर अमेरिकन डॉलर के साथ था, आज वो उसकी करेंसी हमसे भी नीचे है। तो कोरिया हुआ, इंडिया हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क, एक ज़माने में उनके पास $1 बिलियन रिजर्व्स थे, और उनको अपना सोना स्विट्जरलैंड भेजना पड़ा IMF की ट्रेंच लेने के लिए, 275 मिलियन। आज उनके पास 660 बिलियन मेरा ख्याल है रिजर्व्स हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी फिगर्स नहीं हैं। पाकिस्तान उठेगा और हम उठवाएंगे इसको। हमारा वर्जन मुल्क है, कमोडिटीज़ का मुल्क है, आजकल दुनिया में कमोडिटीज़ की पोजीशन है, कमोडिटीज़ की मार्केट है, इंशाल्लाह ये होगा। मगर मैं वापस आ जाऊँ अपने सफ़र की तरफ से। सर, 100 मोटो मेरे खिलाफ़ हुए हैं, मैंने देखे हैं, पर 100 मोटो ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं उस अफसर का नाम नहीं लूँगा जिसने मुझे रिपोर्ट दी है। तुम्हें हक क्या पहुंचा कि तुमने उस अफसर से पूछा कौन सा कानून तुम्हें ये राइट देता है कि तो वो अफसर आके आपको प्राइवेटली मिले और प्राइवेटली आके ब्रीफ करे। अगर कुछ है तो आप चार्ज करें, हमें लाएं सामने। आपने चार्ज क्या किया? आप 200 बंदों को उठा के कराची से ले आए यहाँ 100 मोटो में, और यहाँ ला के रखा अड्यालय में, और विटनेसेस बनाने की कोशिश की। अल्लाह के फजल से हमारे हाथ साफ थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई कमीशन नहीं थी, कोई रोड नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, सीधी सीधी बात थी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी। और जो इनने गवाह बनाया उसको भी अल्लाह ने पूछा, वो कस्टडी में ही फौत हो गया, और उसके जो अच्छाइयाँ हैं वो हमें दे, इसलिए कि उस टाइम से ज़्यादती की, ज़्यादती थी उनकी। मेरी बहन, आज तक हमारी कभी बेटियाँ बहनें, हाँ बीबी साहिबा को जेल में ज़रूर डाला है, मगर तो हमारे घर से किसी को नहीं डाला था। उनको रात के 12 बजे उठा के
हॉस्पिटल से और जेल स्पेशली खोला जाता है, तब सो मोटो नहीं होता कि ये जेल खोला कैसे गया भाई। हमने दरखास्तें दी, फारूक नाइक यहाँ है या नहीं है, मेरा वकील था, कि मैंने अपने कमरे से बाथरूम से इनके कैमरास पकड़े और वो पुलिस वाले को कान से पकड़ के मैं बाहर लाया और उसकी मैंने दरख्वास्त दी जज साहिबान को, और उस दरख्वास्त पे सुनी ना सुनी रह गई। मेरे कमरे में इन दी हॉस्पिटल लिस्टिंग डिवाइस गिरा, वो मैंने अपने वकील उस वक्त अजीज़ुल्ला शेख मरहूम को दिया, उससे जाके कोर्ट में पेश किया, कोई उस पर डेट नहीं मिली, किसी ने सुना नहीं, किसी ने कहा नहीं कि भाई ये क्या था। तो मैं आपको क्या बताऊं कि कहां कहां मैं विटनेस इन हिस्ट्री हूं। इसलिए तो मैंने बीबी की बात रिकंसिलिएशन की किताब पे मैंने आके हुकूमत बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह ये 18th अमेंडमेंट NFC अवार्ड सब ने हमने मिल के, ये नहीं है कि मैंने अकेले पीपल्स पार्टी ने, पर मिल के सब सियासी ताकतों ने बलूचिस्तान के हकूक की बात भी की, हमने खैबर पख्तूनख्वा के हकूक की बात भी की। हाँ, वो दूसरी बात है कि सब अब एलिमेंट्री स्टेजेस में, हर चीज़ इवॉल्व होती है, बलूचिस्तान इवॉल्व होगा। बलूचिस्तान के ऊपर जो लोग रहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो 5-5 ज़बानें बोलते हैं, वो बड़े सियासी लोग हैं, पर उनसे बात करना पड़ती है, उनको इंगेज करना पड़ता है। फ़िलहाल किसी हमारे मुखालिफ मुल्क ने ऐसा माहौल वहाँ बनाया हुआ है कि बात नहीं की जा सकती, निकला नहीं जा सकता, जाएंगे तो सिक्योरिटी है, आएंगे तो सिक्योरिटी है। बहरहाल हम तो बलूचिस्तान भी जाएंगे, हम तो KP भी जाएंगे, हम हम हर जगह जाएंगे जहां हमको लोग बुलाएंगे, हम जाएंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। मेरे खिलाफ TTP की भी थ्रेट्स रही हैं, मेरे खिलाफ और दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की थ्रेट्स रही हैं। हाँ, APC में मुझे बिठाया जाता था, मगर मैं अपने शौक से APC नहीं बुलाता था। हद तो ये है कि मैं एज प्रेसिडेंट जब मैं उतरा तो भी इनने APC में डाला मुझे, फर्क कोई नहीं पड़ा। एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एज द एक्स प्रेसिडेंट, एज एक्स मिनिस्टर, एक्स सेनेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर भी APC में। वही APC से हम हंसते रहे और हमेशा विक्ट्री का साइन देते रहे कि हम राज करेंगे, हम लेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान बनाएंगे। तो ये सब बातें जो होती हैं, और ख़ास करके आजकल जो हमारे कुछ लिखने वाले करते हैं, ये सारी बातें जो है ये थोड़ी छोटी सोचों की बातें हैं। हमने पाकिस्तान ने अंडर PPP 5 ममालिक के साथ हमने साइन किया करेंसी स्वाप। आज पूरी दुनिया में वो करेंसी स्वाप होने जा रहा है, हमारे मुल्क में इस्तेमाल नहीं हुआ हमारे बाद, मगर आज चाइना, रशिया, मलेशिया ये अपना IMF बना रहे हैं और ये डॉलर में डिनोमिनेशन में डील नहीं कर रहे, अब इंटर करेंसी इंडिया के साथ मिलके इंटर करेंसी। इंडिया तो ऑयल लेता है इससे रशिया से, उसको रिफाइन करता है और एक्सपोर्ट करता है। तो बहरहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान नहीं कर सकता, और इंशाल्लाह हम करेंगे। हाँ, हमें वक्त चाहिए, हमें टाइम चाहिए, हमारे पास ये हेस्ट मेक्स वेस्ट, ये जो रश जज जजमेंट इज हश्ड जजमेंट,
These are harsh judgments. These judgments do not strengthen democracy or strengthen Pakistan. They will only lead to chaos. We cannot afford chaos. At least I believe, Pakistan People's Party believes, we cannot go in for a chaos situation. So, yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. Anything else, it could be many things else. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions ki main aapke paas dialogue ke liye aaun magar mera ime faisla thya to main manne sa je even na thya to main alag main na manne sa aisa nahi hota dialogue. You give and take. And why are we talking about dialogue? Why? Because it doesn't suit a government to go into a clash. We don't want clashes at the time when people can't feed their babies, they can't feed their mother, they can't feed their fathers. Yes, we know. Hame pata hai ki inke paas itna paisa hai ki ye aaj bhi 30,000 rupaye apne workeron ko de rahe hain ladne ke liye, aane ke liye aur apne shor machane ke liye. हमको पता है, ये नहीं है कि हमसे छुपी हुई बात है. एक ज़माना था जब एक और कोई पार्टी थी, उसके पेड वर्कर होते थे. अब इनके भी पेड वर्कर्स हैं, पेड जर्नलिस्ट हैं, पेड इनके सोशल मीडिया के वर्कर हैं. तो ये ट्रेंड इनका अपना शुरू किया हुआ है और हम सोच रहे हैं कि हमको पता है कहाँ से पैसा आ रहा है. वी नो दैट. इनकी अपनी तो जागीर है ही नहीं. मैंने तो कभी नहीं सुनी कि कोई न्याजी जागीर थी या इनका कोई बिजनेस था. हालांकि इसने एडमिट किया है कि मैंने हॉस्पिटल्स के फंड्स जो हैं वो डाले और वो प्रॉपर्टी में डाले, जो कि इसको राइट नहीं है. वो जो फंड्स हैं वो इनको एक पॉलिसी के थ्रू, एक जज्बे के थ्रू लोग देते हैं कैंसर के लिए. इनको कोई, इनके पास एक्सक्यूज नहीं है उसको फर्दर बिजनेस में यूज़ करने. तो बातें बहुत हैं राजा साहब, स्पीकर साहब, बातें बहुत हैं और चीज़ें बहुत हैं और मेरे पास तारीख का एक पूरा सिलसिला है. मैंने 14 साल जेल में क्या किया? मैंने अपने को सेल्फ एजुकेट किया, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने अपने इनर सेल्फ को एजुकेट किया, मैंने आउटर सेल्फ को एजुकेट किया. ऐसे तो नहीं कि 70 साल से किसी ने नहीं सोचा कि एक ऑल वेदर रोड होना चाहिए जो चाइना पहुंचे. और वो चाइना पहुंचे और वो अताबाद लेक को संभाले थी तो पूरा ही एरिया हसन अब्दाल तक और पता नहीं कहाँ तक वो ड्राउन हो जाता. तो उस रास्ते ने नहीं सिर्फ इनको संभाला, वो मैंने $500 मिलियन की ग्रांट लाया चाइना से. ना लोन था और ना किसी की बात थी. चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने मुझे $500 मिलियन ग्रांट दी और मुझे फिर उस वक्त के चीफ ने कहा कि ये तो हम बनाएंगे. मैंने कहा बिस्मिल्लाह, आप बनाए, मुझे कोई इससे सरोकार नहीं है. बन जाए, कौन बनाए? इसलिए कि मेरे कुछ आइडियाज़ और थे. तब तक ये बात वाजह नहीं हुई थी कि मैं ग्वादर पोर्ट का क्या कर रहा हूँ. ग्वादर पोर्ट की कहानी सुन लें सर.
एक चीफ साहब ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ था। अब मैं तो उसको अप्रोच भी करता था तो गलत था, और ना अप्रोच करता था तो भी गलत था। मैं तो शक्ल से उनको बुरा लगता था। तो ऐसा हुआ कि मैंने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को कहा कि यार डिप्टी टू बी चीफ जो हैं उनसे आप जाके, वो मुल्तान के थे, आप बात करें, उन्हें कहें कि ये स्टे ऑर्डर खाली कर दें। दिस इज़ नॉट फॉर मी, फॉर यू, फॉर पाकिस्तान, फॉर एनीबॉडी, बट इट इज़ अ नेशनल कॉज। तो उनने उससे बात की। कभी कभी हर इंसान से अच्छा काम हो जाता, उससे ये काम अच्छा हो गया, उसने वो स्टे ऑर्डर ख़त्म कर दिया। स्टे ऑर्डर जो ख़त्म हुआ तो मैंने चाइनीज़ एम्बेसडर से बात की, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया, और मैं से शुरू में वो जो पार्टनर साहब थे जो सिंगापुर कंपनी के, वो मुझे कहते हैं $250 मिलियन। मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कोई चाइनीज़ नहीं हूँ कि तुम मुझसे बात कर रहा है, मैं पाकिस्तानी हूँ, तुम उसे पाकिस्तानी बन के बात कर। फिर अल्लाह भला करे बाबर, वो पोर्ट्स का मिनिस्टर था, उसकी मैंने मदद ली, उसने भी उनसे बात की, और अल्हम्दुलिल्लाह $35 मिलियन में हमने चाइना को ये पोर्ट्स दिलवाया। पर वो है आगाज़। उसके बाद उसको किस तरह यूज़ करना है, क्या आगे जाना है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये तो इस पर मैं लेक्चर दे सकता हूँ, एक पूरी साइंस है, पूरा एक फलसफा है। बहरहाल पीछे आते हुए, सर पूरी चीफ पूरी बेंच, ये भी एक दूसरी कहानी है कि मैंने जेल में बैठ के वो बेंच फुल बेंच कैसे बनवाई, वो भी किसी दिन किसी वक्त किसी को बताऊंगा, आज नहीं। तो खैर वो फुल बेंच बन गई। उस बेंच में मेरे वकील पेश हुए, उस हफीज़ पीरज़ादा साहब, अल्लाह उसको बख्शे, फारूक नायक पेश हुए। तो खुद फुल बेंच ने जजमेंट दी कि बायस इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। तो मेरे वकीलों ने कहा कि सर जितनी इसकी सज़ा है उतनी तो हमारा जो वोकल है वो काट चुका है, मगर उस पर उनने कोई बात नहीं की। वो वापस भेज दिया गया केस रिमांड करके उसी जज के पास जहाँ मैं उस पर ट्राई हो रहा था। उस जज साहब को मैंने एप्लीकेशन दी, मैंने कहा भाई अब तो आपके फाजल जजों ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया है कि आप जो हैं वो बायस थे, पुराने चीफ साहब और दूसरे दोस्त, तो कुछ इसका अजाला करें। वो मुझे कहता है पंजाबी में, जदाई साहब क्यों साडे नाल बखौल करते हो, इन्हें वड़े वड़े बंदियां तुहानू रिलीफ नहीं दिता, असी छोटे बंदे दे सकने हैं। तो ये पोजीशंस मेरे साथ हमेशा रही है। हालत तो यह है कि एक गाड़ी पकड़ी जाती है इस्लामाबाद से, मेरे नाम पे नहीं है, उसकी ड्यूटी भरी हुई है, उसको ये कह के कि इसमें ये बैठे हैं जदाई साहब, इस गाड़ी में बैठे हैं, उसको केस प्रॉपर्टी बना के मुझे चार्ज किया जाता। मैं जज साहब को कहता हूँ कि भाई कस्टम में भी सामान आता है, सब कुछ होता है, तो बंदा थोड़ी फड़ते हैं, सामान गुड्स आपने रिकवर करने हैं, गुड्स को आप गाड़ी को पकड़ो। मैंने कब कहा कि गाड़ी मुझे दे दो वापस या किसी और को दे दो, गाड़ी को छोड़ो आप, मुझे क्यों पकड़ के बैठो। 2 साल उस केस में मैंने अगेन कैदे तनाई काटी। तो मेरे इतने इनके साथ रहे हैं, डायलॉग भी रहा है, और आपने तो खुद कहा था शाह साहब की जजमेंट में कि ऑल जजेस आर इक्वल,
तो आप जो अब जो चाह फोर की जो जजमेंट इन द फील्ड है उसको आप कैसे कह सकते हैं कि दैट इज नॉट अ जजमेंट? हाउ इज कैन यू से दैट? अथर मिनला कोट्स एंड सेज वी शुड नॉट बी सीन एज पॉलिटिशियन इन रोब्स. अब इससे ज्यादा वो क्या बोलेगा? सो आई थिंक द होल नेशन नीड्स टू थिंक, एवरीबडी नीड्स टू थिंक, बट रेस्ट अलोन, रेस्ट श्योर, वी आर नॉट वीक. प्लीज, आई टेल द ऑपोजिशन एंड आई टेल एवरीबडी हु अपोजेस अस, वी आर पॉलिटिकल फोर्सेस. We do not sit here because somebody made us sit here. We sit here because we have won our elections. We sit here because we have won our majority. We have won a no confidence vote against himself, the Prime Minister, ex-Prime Minister, the Tiger Niazi Prime Minister. We have won a vote of confidence. हमने तो उसको नहीं कहा कि आप वॉकआउट कर जाए, रिजाइन कर जाए, ये कर जाए. ही इज डन एवरीथिंग हिमसेल्फ. नाउ ही वॉन्ट्स टू प्रेशराइज द कोर्ट्स इन वन फॉर्म और द अदर. दैट विल नॉट डू. वी कैन नॉट एक्सेप्ट सम पोर्शन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट और सम पोर्शन ऑफ द जुडिशरी, ex-establishment, trying to gang up on us. We will see them through. Come hail, come snow, come rain, we will fight on every front. We will fight in and out everywhere. We have no fear of these so-called jolly Democrats. If they think they can make us cow down, they have another thing coming. We weren't cowed down by Musharraf, जिनको इनने इंडोर्स किया, वोट दिया, तो और हमने उसकी सारी उसका टाइम जो है तकरीबन जेल में काटा. बीबी ने उनको यही कहा था कि आई विल नॉट टॉक, आई विल नॉट निगोशिएट विथ अंडर अ बैरल ऑफ द गन. You have my husband in prison and you want to talk to me? No, it won't happen. And then she moved forward and she spoke to the American. Some friends have this phobia that he may have taken it off by himself. No, it was the international forces. They asked him to take off the uniform because Bibi declared, how can I talk to a dictator? He's in uniform. Yes, if he takes off his uniform, maybe I can talk to him. So uniform utrai gayi, dialogues hue, aur dialogue ke zariye humne usse NRO ki shakal mein maafi mangwai. Usne naak ragdi, usne ye maafi maangi humse ki tareek mein humse humne aapke saath rakhi. NRO का हमको क्या फ़ायदा होना था? हमें तो पता था कि केस, हर केस में हम बरी खुद हो सकते हैं, हम इनोसेंट हैं. हमारे को तारीख में लिखवाना था, हमें बीबी ने तारीख में लिखवाना था कि इसने हमसे माफ़ी मांगी. एंड दैट वॉज द पोजिशन, दैट वॉज द पोलिटिकल पोजिशन. एंड टिल टू डेट लेट मी टेल एवरीबडी, वी नो more than you think we know. We are quite aware of who is who and where is what. Wo to mian sahab ki sharafat hai ki he doesn't, warna to mujh pe to speaker sahab ek aisa case bhi bana jo mere usne kaha ki maine pair mein bum bandh diya 50 lakh karke. To maine un judge sahab ko kaha ki yahan aap mujhe try kar rahe ho 50 लाख के लिए और वहाँ आप मुझे दूसरी कोर्ट में ट्राई कर रहे हो
कि इस मेरे एक फोन पे 12 करोड़ रुपए दे दिए गए किसी को, तो हाउ हाउ डू द 2-3 मैच। उन केसेस में 9 केस थे, तो एक इंस्पेक्टर था बड़ा सीनियर, सिद्दीकी नाम था, पता नहीं जिंदा है नहीं, उसने मुझे कहा जदाई साहब एक केस मुझे भी डाल दो, मैनू भी पाण दो, ये मेरा वायदा कि तुसी 2-4 हफ्ते से तुसी जित लोगे पर मेरी प्रमोशन हो जानी। मैं क्या बच्चा तू पा दे, जे तेरा फायदा होता है तू पा दे। और ऐसे ही हुआ, वो DSP बना इंस्पेक्टर से और मुझे वो 2 हफ्ते में वो केस फारिग हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैंने हर जगह बैठ के मुकाबला किया है और मुकाबला करते रहेंगे, इसलिए कि हमने वतन बनाना है, हमने इस धरती को अपना खून दिया है और देते रहेंगे। एक आज का नहीं, कल का नहीं, हमेशा की हमारी दुआ है और रहेगी कि मौला हमें ईमान दिए रख और कब्र तक ईमान दिए रख। स्पीकर साहब, मैं आपको वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता, बातें तो बहुत हैं करने के लिए, चीज़ें तो बहुत हैं डिस्क्लोज करने के लिए, ऐसी ऐसी हैं जो शायद मेरा ख्याल है मुझे हामिद मीर के प्रोग्राम में जाके कहना पड़ेगा, वहाँ तो कह लूँगा, यहाँ थोड़ा गैर ज़रूरी लगता है, गैर मुनासिब भी है। थैंक यू, आपने मुझे वक्त दिया, बड़े दिनों बाद आपने मुझे सुना, बड़ी